भारत के युवा अच्छे कामों को छोड़कर बुराई की ओर जा रहे हैं। लोग नशे से युक्त हैं। जिस भारत ने उन्हें बनाया, जिस भारत ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, उसी में ही मलिनता फैला रहे। एक ऐसी परेशानी है, हमने एक सुखद भारत का सपना देखते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, मरते दम तक इस भारत का गुणगान किया था, लेकिन अब हमारा वो बलिदान व्यर्थ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ करो माँ, कुछ करो। अब भारत की उस कमी पर ध्यान दीजिए जो किसी भी बुराई या आतंकवाद से बड़ी है। उसी कमी पर कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं और कैसे भारत माँ के समक्ष अपना दुख प्रकट करते हैं, देखिए। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने जो संकल्प लिया था मैं उसे पूरा नहीं कर सका। मैंने एक ऐसे भारत निर्माण का सपना देखा था जो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपने आदर्शों तथा अपने मूल्यों के आधार पर पहचाना जाएगा, लेकिन मैं एक ऐसे भारत का निर्माण नहीं कर सका। माँ मुझे माफ कर दो तथा सभी भारतवासियों को सद्बुद्धि लेना ताकि वे अपने देश धर्म का पालन कर सके। माँ मुझे माफ कर दो। अरे आज हमारे देश के लोग अपने आप में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो देश को भूल गए हैं, वो धरती माँ को भूल गए हैं, वो अपने संस्कारों को, अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल गए हैं। अब आप लोग देखिए कि चंद्रशेखर आजाद की परेशानी उन कमियों के कारण जो आज के युवा अपना अधिकतर समय फोन और सोशल मीडिया पर व्यतीत करके क्रिएट कर रहे हैं। हे भारत माँ, आज के युवाओं को क्या हो गया है? हमने स्वतंत्र भारत का जो सपना देखा था उसके लिए हमेशा अपने आप को आजाद रखा, स्वतंत्रता के कारण अपने आप को गोली मारी, लेकिन आज के युवा फोन और सोशल मीडिया के गुलाम बन गए हैं। ये सब आजाद कैसे होंगे माँ? जिस भारत ने उन्हें बनाया, जिस भारत ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, जिस भारत ने उन्हें रोजी रोटी दी, आज उसी के खिलाफ वे नारे लगा रहे हैं। ये सब आजाद कैसे होंगे माँ? अब मुझे लगता है भारत में वही दौर दोबारा आ रहा है। तब हम विदेशी अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन अब हम विदेशी संस्कृति के गुलाम बन गए हैं। इस जो आज हम जो इन विदेशी तकनीकों के गुलाम हैं, इस गुलामी को दूर करने के लिए कोई बाहरी नहीं आएगा। हमें अपने अंदर ही नील भगत सिंह, साहसी चंद्रशेखर आजाद, दृढ़ निश्चयवान रानी लक्ष्मीबाई और महान व्यक्तित्व के धनी सरदार पटेल को जीवित करना होगा।